वृंदावन कॉलोनी में स्थित एसकेडी स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने के बाद आसपास के निवासियों ने प्रशासन का विरोध किया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने से आसपास रह रहे लोगों में कोरोना का संक्रमण हो सकता है। यूपी के कौशाम्बी में मिट्टी खुदाई के दौरान टीला ढह जाने से दो लड़कियों समेत तीन लोग मलबे में दब गए। रेस्क्यू कर घायलों को निकाला गया, लेकिन तब तक दो युवतियों की दम घुटने से मौत हो गई, जिसके बाद घटनास्थल पर एसपी, एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद खेल के मैदान में भी रौनक दिखने लगी है। छूट मिलने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए पार्कों में खिलाड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके बाद अपने कोच के साथ भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कुलदीप यादव ने प्रैक्टिस की। प्रवासी मजदूरों की गांव में हो रही वापसी एक ओर जहां कोरोना को बढ़ा रही है, वहीं ग्रामीण दहशत में है। गांव में दुकानों को खोलने की इजाजत भी दे दी गई, लेकिन ग्रामीणों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। आगरा में कोरोना क्राइसिस में पुलिस का विशेष दल का गठन किया गया, जिसे रैपिड रिएक्शन यानी कि आरआरटी का नाम दिया गया है। फिलहाल अभी इस दल में 35 पुलिस कर्मियों को रखा गया है। एक लंबे समय बाद लॉकडाउन 4 में राजधानी लखनऊ के बाजार फिर से खुल गए। आज सुबह बाजार खुलने के साथ ही दुकानों और शोरूम के बाहर ग्राहकों का आना शुरू हो गया। कोई लखनवी जायके का लुत्फ उठाने के लिए मिठाई की दुकान पर पहुंचा, तो कोई कपड़े या मोबाइल खरीदने। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के शोरूम के सामने भी ग्राहकों की लंबी कतारें देखी गई। योगी राज में उत्तर प्रदेश की पुलिस अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रही, और इसी का नतीजा है कि एक दलित युवती को मौत का सौदा करना पड़ गया। 18 साल की दलित किशोरी के साथ गांव के तीन मंचलों ने पहले छेड़खानी की थी, जिससे वो परेशान थी। पीड़ित लड़की जब शिकायत देकर पुलिस चौकी पहुंची, तो पीड़िता का पुलिस ने कार्रवाई के बजाय मामले में सुलह करवा दिया। पुलिस के इस रवैये से आहत होकर पीड़िता ने फांसी लगाकर जान दे दी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन 4 में सरकार द्वारा जिला प्रशासन द्वारा छूट मिलने के बाद बाजारों में रौनक फिर से लौटने लगी है। शहरी क्षेत्रों में मसलन सोमवार को एक कैटेगरी की दुकान खुलेगी, तो मंगलवार को दूसरे कैटेगरी की दुकान खुलेंगी। अलग अलग दिन में अलग अलग तरीके से दुकानें खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इन दिनों बाघों की गणना के फेज 4 का काम जारी है। ऐसे में इस टाइगर रिजर्व में फिर बाघों की संख्या बढ़ने का अनुमान है, जिसके चलते कॉर्बेट प्रशासन की भी चुनौतियां बढ़नी तय हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों के घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। अनुमान लगाया जा रहा है कि संख्या 250 के करीब होगी। प्रयागराज में इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में भीषण आग, आग में करोड़ों का सामान जलकर हुआ राख। आग की चपेट में करीब आधा दर्जन दुकानें। आग को काबू करने में आधा दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक थर्ड इलाके में 3 कंपनियों में एक साथ लगी आग। आग लगते ही प्रशासन ने आसपास की कंपनियां खाली करवाई। थोड़ी ही देर में आग ने लिया विकराल रूप। दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर मौजूद। कानपुर देहात के रेलवे गेस्ट हाउस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग से कैंपस में मची भगदड़। लोगों ने पुलिस और फायर विभाग को दी सूचना। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग से कई हरे भरे पेड़ पौधे जलकर हुए खाक। नोएडा के बिस्रक थाना क्षेत्र में चलती कार में लगी भीषण आग। चंद मिनटों में कार बनी आग का गोला। कार में सवार लोगों ने कूद कर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से कार में लगी आग। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। मुरादाबाद में मिठाई की दुकान में लगी आग। सैनिटाइज करने के बाद बंद दुकान में लगी आग। लॉकडाउन में राहत मिलने के बाद दुकान खोलकर किया गया था सैनिटाइज। नंदन स्वीट्स में सैनिटाइजर स्प्रे करने के बाद बंद की गई थी दुकान। शॉर्ट सर्किट से लगी आग से लाखों का नुकसान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। थाना सिविल लाइंस इलाके के हरिद्वार रोड की घटना। मथुरा में शहीदों की शर्मनाक करतूत सामने आई। यहां शहीदों ने पानी ले जा रही दो सगी बहनों के साथ बदतमीजी की, उनके साथ छेड़खानी की, यहां तक कि गालियां तक दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बदायूं में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने की फायरिंग। युवती के पिता पर चलाई गोली, पत्थर भी बरसाए। पुलिस पर केस दर्ज नहीं करने का आरोप। बिसौली के लक्ष्मीपुर गाँव का मामला।
झांसी में बेवजह भीड़ लगाना, लोगों को पड़ा भारी। सोशल डिस्टेंसिंग न होने पर पुलिस ने स्कूटर सवार को मारा डंडा, डंडा पड़ते ही चौक से रफूचक्कर हुआ युवक। महाराजगंज जनपद में प्रवासी श्रमिकों का लगातार आना जारी है। बीते दिनों में जिले में कोरोना संक्रमित मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जिले के कई कस्बों समेत भारत नेपाल के बॉर्डर वाले इलाकों में पैदल मार्च कर लॉकडाउन का पूर्ण अनुपालन कराने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अनुमति मिलने के बाद भी आज देहरादून में सिटी बसें संचालित नहीं हुई। सिटी बस संचालकों ने नाराजगी जताते हुए बसों की चाबी सरकार को सौंपने की बात कही है। दरअसल सरकार के द्वारा 50% क्षमता के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन बस संचालकों का कहना है कि इतने सवारियों के साथ उनकी बसों के संचालन में घाटा होगा। पैदल मार्च के दौरान बताया गया कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। जिले के डीएम और एसपी सड़क पर उतरकर गाड़ी ड्राइवरों, राहगीरों, दुकानदार, बैंक कर्मियों समेत सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील कर रहे हैं। 25 मई से देश में घरेलू हवाई उड़ानों को शुरू किया जा रहा है। आज इसी सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इससे जुड़ी अहम जानकारियां साझा की। बता दें कि कल उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि 25 मई यानी आगामी सोमवार से देश में डोमेस्टिक फ्लाइट्स का संचालन पहले की तरह ही शुरू किया जाएगा। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि घरेलू उड़ानों को चलाने के लिए अधिकतम और न्यूनतम किराए की सीमा तय की गई है, जिसका सभी एयरलाइंस को पालन करना होगा। उदाहरण के लिए दिल्ली और मुंबई के बीच 90 से 120 मिनट की उड़ान का कम से कम किराया 3500 रुपये होगा और अधिकतम किराया 10000 रुपये होगा। ये नियम फिलहाल 3 महीने के लिए होगा, जो 24 अगस्त की आधी रात तक लागू होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू की गिरफ्तारी पर बोले मंत्री मोती सिंह, जिस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है उस पर विधिक कार्रवाई होती है, कानून अपना काम करता है। प्रियंका गांधी ने पता नहीं कब राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जो मुख्यमंत्री की जगह वो बोल रही कि वहां की सरकार बसें भेजेंगी। लॉकडाउन 4 के शुरू होते ही मिली छूट के कारण तमाम कोशिशों के बाद भी काशीपुर के बाजार की हालत में सुधार नहीं हो पा रहा है। काशीपुर में रोजाना सुबह से ही बाजारों में भीड़ से मेले जैसा नजारा दिखाई देता है। कोरोना संक्रमण पर काबू करने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के सारे नियमों की अनदेखी हो रही है। बाजार में शारीरिक दूरी बनाने, सैनिटाइज करने और मास्क लगाने के नियम पूरी तरह से मजाक बनकर रह गए हैं। काशीपुर में बाजार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने बाजार में वाहनों को प्रतिबंधित कर दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाने का आदेश दिया है। यूपी के जौनपुर जिले में अचानक कोरोना मरीजों की संख्या 31 से बढ़कर 47 हो गई। एक ही दिन में रिकॉर्ड 16 मरीज बढ़ गए हैं। गुरुवार को आई रिपोर्ट में 15 पॉजिटिव मुंबई और गुजरात के सूरत से लौटा एक शख्स का है। बाहर से आए सभी प्रवासियों का सैंपल 14 मई को भेजा गया था। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है। जिला प्रशासन सभी मरीजों को वाराणसी भेज रहा है। प्रवासियों के आने से कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सोनभद्र में मनरेगा के मजदूरों ने प्रधान और सेक्रेटरी पर मजदूरी न देने का आरोप लगाया है। मजदूरों का कहना है कि एक महीने से लगातार मजदूरी करने के बाद भी मजदूरी नहीं मिली है, जबकि प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा हाजिरी लेने के बाद भी मजदूरी नहीं दी जा रही। इस वजह से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों ने प्रधान और सेक्रेटरी के साथ अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि हमारे पैसों को किसी और के खाते में भेजकर भ्रष्टाचार किया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के खेड़ाजट गांव में 13 मई को एक 9 साल के मासूम अपहरण मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कुछ समय पहले आरोपी पर अपने चाचा की बाइक चुराने का आरोप लगा था, जिससे गांव वालों ने उसे दंडित किया था। आरोपी युवक ने बदला लेने की ठान ली और बदला लेने के लिए बच्चे का अपहरण कर फिरौती मांगी, लेकिन फिरौती नहीं मिलने पर उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर बच्चे की हत्या कर दी और शव को गन्ने के खेत में दबा दिया था। इस पूरी घटना का खुलासा पुलिस ने गुरुवार को किया।
नोएडा सेक्टर 18 में करीब दो महीने की बंदी के बाद बाजार खुलने पर आमजन और व्यापारी बंधुओं की सुरक्षा के लिए RAF के साथ फ्लैग मार्च किया गया। खरीदारी करने आए लोगों को कोरोना से बचाव हेतु जागरूक किया गया, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के तरीके बताए गए। शास्त्री में कोटेदार का राशन घोटाला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार ने सभी को धमकाते हुए कहा है कि आप शिकायत की तो सभी का नाम सूची से हटवा दूंगा। आरोप के मुताबिक अंत्योदय कार्ड में 35 किलो राशन की जगह 32 किलो राशन ग्रामीणों को दिया जा रहा है। मामूली विवाद में एक युवक को गोली मारे जाने के बाद आरोपी युवकों के खिलाफ पीड़ित की मां ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। मां का आरोप है कि अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जबकि पीड़ित युवक की हालत गंभीर है। नैनीताल के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बंसीधर भगत ने मीडिया से मुलाकात की। भगत ने कहा कि कोरोना ने पूरी दुनिया को पस्त कर दिया है, लेकिन उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों के कारण यहां नुकसान ज्यादा हो गया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन, खासकर धार्मिक पर्यटन से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों को काफी नुकसान हुआ है। जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने सिरोह बगड़ बैरियर का औचक निरीक्षण किया। यहां सभी कार्मिक अपनी ड्यूटी पर ईमानदारी और निष्ठा से कर्तव्यों का निर्वहन करते पाए गए। निरीक्षण में पाया गया कि सभी कार्मिकों द्वारा आपसी समन्वय से काम किया जा रहा है। इसे देखकर जिलाधिकारी बेहद खुश हुए और उनकी तारीफ की। उत्तराखंड में लॉकडाउन के बीच बंद पड़ी उड़ानों को अब दोबारा शुरू करने के लिए जौलीग्रांट एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। एयरपोर्ट प्रशासन को केंद्र की ओर से सिर्फ अनुमति का इंतजार है। इसके चलते नागरिक उड्डयन सचिव दिलीप जावलकर ने एयरपोर्ट के निदेशक से उड़ानों के बारे में जानकारी लेकर तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। उन्नाव में डीएम ने गुरुवार को 7 कुशल मजदूरों को नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया। इससे पहले भी डीएम ने 40 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया था, जबकि 100 अन्य लोगों की सूची भी तैयार की गई है। इन सभी की क्वारंटीन अवधि पूरी होने पर स्वास्थ्य परीक्षण के बाद इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लॉकडाउन 4 में गाजियाबाद का नगर निगम क्षेत्र यानी शहरी क्षेत्र रेड जोन में आ चुका है। ऐसे में यहां के नियम फिर से बदल सकते हैं। गाजियाबाद के ADM सिटी शैलेंद्र कुमार का कहना है कि जल्द रेड जोन को लेकर बदली हुई गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम जारी है। कानपुर और आसपास के जिले में रह रहे बिहार के लोगों को आज कानपुर के गोविंदपुर स्टेशन से उनके घरों तक पहुंचाने का काम शुरू किया गया। इसके चलते आज कानपुर से 2 ट्रेन बिहार के लिए रवाना की जाएगी। केदारनाथ यात्रा रूट पर यात्रियों से खचाखच भरे रहने वाले बाजारों में इन दिनों सन्नाटा पसरा है। हालत यह है कि यात्रा के स्थगित होने की वजह से अधिकांश व्यापारियों ने अपनी दुकानें तक नहीं खोली हैं। केदार घाटी के व्यापारियों के अलावा स्थानीय लोगों की रोजी रोटी का भी संकट गहरा गया है। इसके चलते जनता को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में 15 में से 14 मामलों पर सरकार ने मुहर लगा दी है। इसमें बॉर्डर पर क्वारंटीन करने के हाईकोर्ट के आदेश के पालन कराने के लिए पूरी रूपरेखा हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। 15वें राज्य वित्त आयोग के अनुदान धनराशि का निकायों में वितरण दरों में परिवर्तन किया गया है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में 35-30-35 को बदलकर 75-10-15 किया गया है। इसके अंतर्गत कुल 852 करोड़ रुपए की धनराशि में से 575 करोड़ रुपए पंचायती राज एवं 278 करोड़ रुपए शहरी निकाय को दिए जाएंगे। उत्तराखंड के जो लोग ऐसे राज्यों में वापस लौट रहे हैं COVID-19 से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, ऐसे प्रवासी ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी उत्तराखंड सरकार को ऐसे लोगों को बॉर्डर से ही बाहर संस्थागत क्वारंटीन करने के लिए कहा है, ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। गोंडा जिले के कर्नलगंज कोतवाली में बेटी के घर ईदी देने गए बुजुर्ग पिता को पैसे के लेन देन के विवाद में पीट पीट कर मार डाला गया, जबकि साथ गए बेटे को भी धारदार हथियार से मारकर जख्मी कर दिया गया। घायल बेटे को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घायल बेटे की तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस से लड़ रही है, ऐसे में कोरोना वॉरियर्स का हर गली मोहल्ले और चौराहों पर सम्मान भी हो रहा है। लेकिन गोरखपुर में 4 महीने पहले तैनात किए गए 40 सफाई कर्मियों के वेतन का भुगतान नहीं किया गया। पैसे की कमी के चलते सभी कोरोना वॉरियर्स को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। बागेश्वर जिले में लॉकडाउन शुरू होने के बाद से अभी तक 15,000 प्रवासी पहुंच चुके हैं। इनमें से 5,500 लोगों ने होम क्वारंटीन पूरा कर लिया है और 143 प्रवासियों को संस्थागत क्वारंटीन किया गया है। लॉकडाउन 4 में शासन से जारी निर्देशों के बाद बागेश्वर जिला प्रशासन ने मैराथन बैठक के बाद कई नियम और शर्तों के साथ दुकानें और बाजार खोलने की मंजूरी दे दी है। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि इस व्यवस्था का कठोरता से पालन करने के लिए धारा 144 लागू है। सांसद तीरथ सिंह रावत ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि इस आर्थिक पैकेज से भारत की धीमी पड़ी अर्थव्यवस्था को तेजी और मजबूती मिलेगी, साथ ही रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए आम जनता को सस्ता कर्ज भी मिलेगा। भदोही जिले में शराब के नशे में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें इलाज के दौरान महाराष्ट्र से आए एक युवक की मौत हो गई, जबकि 7 ग्रामीण घायल हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। जालौन जिले के लिए आज एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। यहां 80 वर्ष की वृद्ध महिला ने कोरोना से जंग जीत ली है और कोरोना फाइटर्स बनकर सामने आई है। महिला की कोरोना की दोनों रिपोर्ट्स निगेटिव आने के बाद आज राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में मेडिकल टीम ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया और फूल मालाएं पहनाकर महिला को डिस्चार्ज कर घर भेजा। उन्नाव में 24 घंटे के अंतराल में 5 और प्रवासी श्रमिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से एक संक्रमित युवक की रिपोर्ट आने से पहले ही मौत हो गई। वहीं 24 घंटे में 10 मरीज मिलने व एक संक्रमित की मौत से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि ये 5 मरीज अलग अलग क्षेत्र के हैं और सभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र से लौटे थे। उधम सिंह नगर के पुलपट्टा थाना क्षेत्र से 7 माह की बच्ची घर से चोरी होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। बच्ची की तलाश के लिए एसओजी सहित 3 टीमों को गठित किया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना के पॉजिटिव केस के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। गोरखपुर मंडल में अब तक कुल 61 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, इनमें से 4 की मौत भी हो चुकी है। गोरखपुर मंडल में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। शिक्षा मित्र भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 14 जुलाई तक जवाब देने के लिए कहा है। साथ में सरकार ये भी बताए कि 45% सामान्य और आरक्षित के लिए 40% के आधार पर क्यों बदला। पूरे देश में 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। यूपी के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने साफ तौर पर कहा कि अधिकारियों को सभी तरह के प्रिकॉशन बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उनका कहना है कि आज वंदे भारत मिशन के तहत कुआलालंपुर से जो फ्लाइट लखनऊ आ रही है, उसके सभी पैसेंजर्स को होटल में क्वारंटीन किया जाएगा। वृंदावन कोतवाली इलाके के पानी घाट पर उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब 3 युवक यमुना नदी में नहाने गए थे। नहाते वक्त युवक गहरे पानी में चले गए और डूब गए, जिनमें गोताखोरों ने 2 युवकों को बचा लिया, जबकि 1 युवक की डूबने से मौत हो गई। शामली के केराना में 2 युवकों के शव गन्ने के खेत में मिलने से सनसनी। दोनों के शव कम्बल में लपटे मिले। उनकी उम्र 20 और 22 साल बताई जा रही है। पुलिस को युवतियों के सिर पर धारदार हथियार के निशान मिले हैं। रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। प्रयागराज के झलवा पीपल गांव इलाके में युवक को बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर हालत में SRN अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायल युवक इलाके के प्रधान का रिश्तेदार और किसान यूनियन युवा विंग के अध्यक्ष का छोटा भाई है। धूमनगंज थाना पुलिस जांच में जुटी। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चौक लूट में शामिल 50,000 का इनामी मुठभेड़ में पकड़ा गया। शातिर लुटेरे लाइक का साथी और इनामी पुलिस फायरिंग में जख्मी। सहारनपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों में चेकिंग के दौरान मुठभेड़।
गौ तस्करों ने एक सिपाही के पेट पर 3 बार चाकू से किया वार। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में बदमाश को मारी गोली। इलाज के दौरान बदमाश की मौत। 3 बदमाश फरार। बदमाशों की तलाश में पुलिस कर रही कॉम्बिंग। ग्रेटर नोएडा में पुलिस एसओजी टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 3 बदमाशों को गोली लग गई। 4 बदमाश फरार हो गए। कुछ दिन पहले ही बदमाशों ने कैंटर लूट की घटना को अंजाम दिया था। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से कैंटर और तमंचे बरामद। कोरोना से बचाव के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने भी तमाम हाईटेक इंतजाम किए। लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय में सैनिटाइजर टनल से लेकर ऑटोमेटिक थर्मल स्कैनर लगाया गया है। इतना ही नहीं, अगर कोई भी बिना मास्क के आ रहा है तो यहाँ पर मास्क वेंडिंग मशीन भी लगाई गई। ग्रेटर नोएडा में एकेटीयू ने लॉन्च किया रोबोट कृष्णा। रोबोट अस्पतालों के वार्डों में खाना और दवाइयां ले जाने में सक्षम। वार्ड को अल्ट्रावायलेट किरणों और सैनिटाइजर स्प्रे से करेगा सैनिटाइज। रोबोट में लगा कैमरा वार्ड में रोगियों की भी करेगा निगरानी। ऑटोमोबाइल फर्म ने लॉकडाउन में ई रिक्शा को मॉडिफाई करने का तरीका ढूंढ निकाला, जिससे सोशल डिस्टेंस का पालन भी और लोगों की सुरक्षा भी बनी रहे। सिर्फ 8,000 की लागत से ई रिक्शा को मॉडिफाई किया जाएगा। ई रिक्शा में सैनिटाइजर किट भी लगाई जाएगी।